हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 20 मई 2019 की जो करंट अफेयर्स है इसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइस बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमने क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है और क्वेश्चन की बात करें तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो चलो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि कौन सा देश है जिसके द्वारा दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड हाइपर कार ब्लेड है ये पेश की गई है। तो हमें उस देश का नाम बताना है और जिसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है चीन, या फिर रूस, या फिर अमेरिका, या फिर जर्मनी। तो देखिए जो अमेरिका है इसके द्वारा दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड हाइपर कार जिसका नाम है ब्लेड ये पेश की गई है। तो क्या आंसर हो जाएगा? अमेरिका यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए आंसर हमने देख लिया तो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस कार के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक एक कंट्री के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे जो जो हमें ऑप्शंस में दे रखी हैं। देखो पहले ये 3D प्रिंटेड हाइपर कार है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो टोटल वजन है, टोटल जो वेट है वो है 635 किलो। ठीक है, कितना है? 635 यानी कि 635 केजी इसका वेट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका जो चेसिस है वो इसका जो चेसिस है वो आम कार जो होती हैं उससे 90% हल्का है। और जो इसकी चेसिस है इसकी वेट की मैं बात करूं तो इसके ये जो कार है इसका जो चेसिस है उसका वेट है 46 किलो। ठीक है, 46 केजी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी बॉडी की, तो इसकी जो ये कार है ना इसकी बॉडी को ये एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर और जो एल्यूमिनियम अलॉय है इससे बनाया गया है। किससे बनाया गया है? कार की जो बॉडी है वो एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर और जो एल्यूमिनियम अलॉय है इससे बनाई गई है। और इसकी बात करें तो देखो ये जो कार है ये 100 किलोमीटर की जो रफ्तार है इसको पकड़ने के लिए इसको 2 सेकंड का समय लगता है। दूसरी चीज, ये कितना हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कार है ना ये 730, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 730 हॉर्स पावर की जो ताकत है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये तो था कार के बारे में, सब कुछ हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या था? अमेरिका। तो एक एक करके कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं जो जो कंट्री हमें ऑप्शंस में दी गई है। तो देखो सबसे पहले बात करें अमेरिका की तो राजधानी क्या है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करें तो इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC, और जो मुद्रा है वो है अमेरिकन डॉलर, और जो इसके प्रेसिडेंट है अमेरिका के USA के वो है डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45वें नंबर के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चीन की बात करें तो राजधानी क्या है? बीजिंग, और जो चीन की मुद्रा है वो है रेनमिनबी और चाइनीज युआन। नेक्स्ट यहाँ पे रशिया दे रखा है, रशिया की मैं बात करूँ तो इसकी राजधानी है मॉस्को और जो मुद्रा है वो है रूबल। अब जर्मनी की बात करें तो राजधानी क्या है? बर्लिन, और जो करेंसी है मुद्रा वो है यूरो। अब देखिए यहाँ पे इस कार की बात करें जो 3D प्रिंटेड हाइपर कार है ब्लेड, इसकी फोटो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है, इस तरह की दिखती है ये कार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि UNDRR है इसके द्वारा किसको सस्कावा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है ये हमें बताना है। और यहाँ पे ऑप्शन ए है डॉक्टर PK मिश्रा को, या फिर RN जयप्रकाश को, या फिर नितिन चुग को, या फिर संजीव पुरी को। तो जो ये UNDRR है इसके द्वारा जो ये डॉक्टर PK मिश्रा हैं, जो डॉक्टर मतलब प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, इनको ये पुरस्कार जो सस्कार पुरस्कार 2019 है ये प्रदान किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जो UNDRR है इसने भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके अलावा प्रधान सचिव जो कि हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, इनको आपदा जोखिम न्यूनीकरण है मतलब आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ये जो पुरस्कार है सस्कावा पुरस्कार 2019 इससे सम्मानित किया है। ठीक है, और इस पुरस्कार की बात करें तो भाई ये जो पुरस्कार है ये आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रही है। तो ये भी हमने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत और जो बोत्सवाना है इसके बीच में विदेश मंत्रालयों के वार्ता का जो तीसरा दौर हुआ है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है ये हमें बता देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लखनऊ में, या फिर मुंबई में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर गोवा में। तो ये आयोजित हुआ है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे जो भारतीय पक्ष का जो नेतृत्व किया वो किसने किया वो भी हम आपको बता देते हैं। तो भारतीय पक्ष का जो नेतृत्व है वो विदेश मंत्रालय में पूर्व और जो दक्षिण अफ्रीका है इसके सचिव जो कि हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, उन्होंने किया। और जो बोत्सवाना सरकार है इसके अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सहयोग मंत्रालय के जो उप स्थायी सचिव हैं तापिया मांगवा, उन्होंने किया। किसकी? बोत्सवाना की ओर से। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पे ये जो समझौता हुआ है ये किस किस के बीच में हुआ है? भारत और बोत्सवाना के बीच में। तो देखो बोत्सवाना की बात करें तो भाई बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो बोत्सवाना की जो राजधानी है वो है गैबोरोन। क्या है? गैबोरोन। और मुद्रा है बोत्सवाना पूला, ठीक है। और भारत के बारे में आपको पता ही है कि राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। और जो करेंसी है वो है रुपया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय तैराकी महासंघ है यानी कि जो इंडिया स्विमिंग फेडरेशन की यहाँ पे बात हो रही है तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन है डॉक्टर पीके मिश्रा, या फिर आर.एन. जयप्रकाश, या फिर दिनेश पेंगटे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो भारतीय तैराकी महासंघ की बात करें तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आर.एन. जयप्रकाश को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे आर.एन. जयप्रकाश की बात करें तो ये कहाँ के हैं? तो गाइस ये है तमिलनाडु के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है कि जो 11वीं भारत और ईरान की जो संयुक्त काउंसिल समिति की जो बैठक आयोजित की गई ये कहाँ पे आयोजित की गई ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है तेहरान में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर मुंबई में, या फिर लखनऊ में। तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। अब भारत और ईरान के बीच में हुई है तो देखो ईरान से रिलेटेड फैक्ट्स जानना जरूरी है कि ईरान की कैपिटल क्या है। तो देखो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, और जो मुद्रा है ईरान की वो है ईरानी रियाल, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है वो लिया है कि जो एनएसजी कमांडो पहले ही प्रयास में माउंट एवरेस्ट है इसकी चोटी पर पहुंचे। कौन पहुंचे? जो एनएसजी कमांडो है ये पहले ही प्रयास में, ध्यान दीजिए बात हो रही है पहले ही प्रयास में, ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। तो यहाँ पे हमें बता देना है कि जो एनएसजी के जो महानिदेशक हैं ये कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सुदीप लखटिया, या फिर जेपी कुमार, या फिर डॉक्टर पीके मिश्रा, या फिर आर.एन. जयप्रकाश। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो आंसर हमारा ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुदीप लखटिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एनएसजी के बारे में। तो देखो लेफ्टिनेंट कर्नल जेपी कुमार हैं, इनके नेतृत्व में जो एनएसजी है इसकी 7 सदस्य की टीम थी। तो ये 7 सदस्य की जो टीम है इसने सफलतापूर्वक जो ये माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंचाई है, ये ऊंची चोटी है, इस पर पहुंचकर भारतीय ध्वज फहराया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एनएसजी की अगर हम बात करें तो जो एनएसजी है इसको अगस्त मतलब कि 1986 में संसद में एनएसजी के निर्माण का जो बिल है ये पेश किया गया था। उसके बाद फिर 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद में ये उसी तारीख को ऑफिशियल तरीके से ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देख ली। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो रल्लापल्ली वेंकट नरसिम्हा राव है इनका निधन हो गया है, तो हमें बताना है कि किस क्षेत्र से संबंध है इनका, ये बताना है किस क्षेत्र से संबंध था इनका। तो इनकी बात करें यहाँ पे देखो क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे फील्ड करिएगा, ठीक है। तो किस फील्ड से रिलेट करते थे ये? तो ये थे एक्टर थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अभिनेता।
और तेलुगु अभिनेता थे ये, और ये मतलब कि 74 ईयर्स के थे जिनका हार्ट अटैक आने से इनका निधन हुआ है। और इन्होंने मतलब कि ये जो है रल्लापल्ली वेंकट नरसिम्हा राव, तो इन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और इन्होंने अब तक मतलब कि 800 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। और ये किस तरह के कलाकार थे, तो भाई ये हास्य कलाकार और चरित्र कलाकार के रूप में ये लोकप्रिय थे। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन है जो ओबिचुरी न्यूज का पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्या क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ILFS इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, इसने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, ये हमें बताना है। तो भाई ये इन्होंने किया है जो काजिम रज्जा खान है इनको। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काजिम रज्जा खान। ठीक है, क्या हुआ आंसर हम देख चुके हैं, ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब बारी क्यूज की। ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने देख लिए, और क्यूज की बात करें तो भाई इससे पहले यानी कि जो 19 मई की जो करंट अफेयर्स थी उसमें से क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो अगर आपने 19 मई की करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके राइट होंगे। तो चलो देखते हैं आज की क्यूज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुंबई की आरोही पंडित कौन सा महासागर है जिसके ऊपर लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली पायलट बन गई। तो ये बनी अटलांटिक महासागर है, इसके ऊपर लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अकेली उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट ये बन चुकी है। तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2019 के जो 6 चरण की वोटिंग है, इसके बाद में जो 7वें चरण की वोटिंग हुई है, इसमें कितने राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को वोट डाले गए। तो हमें बताना है कितने राज्यों पर ये हुआ, तो भाई ये हुआ 8 राज्यों में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 8, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश है जिसने भारतीय कंपनियों से देश में और ज्यादा निवेश करने का आग्रह किया है। तो हमें उस देश का नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नेपाल, या फिर चीन, या फिर रूस, या फिर पाकिस्तान। तो नेपाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर देखिए यहाँ पे इनके एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो ऑलरेडी हमने जो 19 मई का जो करंट अफेयर का वीडियो था उसमें सारी चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे क्यूज है तो क्यूज को क्यूज के रूप में ही करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा, नेपाल। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इटली के क्लब लाजियो ने अटलांटा को 2-0 से हराकर कितनी बार कोपा इटालिया फुटबॉल खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पहली बार, या फिर तीसरी बार, या फिर 7वीं बार, या फिर 8वीं बार। तो इन्होंने ऐसा किया है 7वीं बार। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7वीं बार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका और कौन सा देश है जिसके बीच में चल रहे ट्रेड वॉर से भारत है इसके लिए दोनों देशों में निर्यात मौके बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो हमें बताना है कि अमेरिका और किस देश के बीच में चल रहे ट्रेड वॉर से भारत के लिए दोनों देशों में निर्यात मौके बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन है श्रीलंका, या फिर चीन, या फिर नेपाल, या फिर रूस। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा चीन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के चिन्ह को जरूर दबा लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।